जैसे ही मैं क्रॉस किया, थ्राम थ्राम फायरिंग हुआ। फायरिंग हुआ? हाँ। आपने अपने कान से सुना? हाँ, बिल्कुल कान से सुना है भाई। मेरे साथ दो सिक्योरिटी था और दो, एक हमारा सहयोगी था, एक कार्यकर्ता था। वो तो आपकी फायरिंग किए एमपी साहब पर, उसको पकड़ करके रिवॉल्वर के बट से मारा तो मार ही देता। क्यों मारा है? क्या आजड़ी के लोगों ने? हैं, आजड़ी के लोगों ने? हाँ, आजड़ी के ही लोग थे, दूसरा कौन आएगा। माननीय गृहमंत्री जी ने भी फोन किया था, अमित शाह जी ने फोन किया? हाँ, गृहमंत्री जी ने फोन किया था 10 बजे के बाद। हाँ, खड़े हैं हम तो, आए कोई गोली मार के चल जाए। हमारे खून से उन लोग अगर संतुष्ट थे, मेरे खून से, हम अपना खून भी दे देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइफस्टीज देख रहे हैं। आखिरी फेज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, कल 7वें चरण की वोटिंग हुई है और उसके बाद रामकृपाल यादव पर मसौढ़ी में फायरिंग हुई है। जब वहां से गुजर रहे थे उस दौरान गोलियां चली हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं, घायल हुए हैं। हमारे साथ खुद रामकृपाल यादव हैं। क्या हो गया था अचानक मसौढ़ी में, आप उधर क्या करने गए थे? एक्चुअली हर साल मैं, हर कैंडिडेट घूमता है अपने क्षेत्र में। मैं मसौढ़ी पहुंचा लगभग 6 बजे, 6:01 था मैं मसौढ़ी में प्रवेश किया। उसके दोपहर में ही हमको मालूम हुआ था कि वहाँ विधायक रेखा देवी जा कर के वहाँ अवैध ढंग से, अवैध तरीका से पोलिंग बूथ के अंदर घुस करके हिंड्रेंस पैदा कर रही थी, पोलिंग को बाधित कर रही थी। तो लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था, तो उसकी जानकारी थी, तो हंगामा हो गया था। मैं गया था मिलने के लिए, स्वाभाविक है। मैं गया वहाँ पर तो जानकारी लिया क्या क्या हुआ। वहाँ से जैसे ही मैं निकल रहा था, जमालपुर गांव जा रहा था, 4 लेन पटना डूबी अभी जो नया रोड बना है, निकलने के साथ ही देखा कि 15-20 आदमी का कोई भीड़ इकट्ठा है। हम नोटिस नहीं, सामान्य रूप से कोई रह सकता है। तो वहाँ मैं गया तो मैं जैसे ही मैं क्रॉस किया, धड़ाम धड़ाम फायरिंग हुआ। फायरिंग हुआ? हाँ। आपने अपने कान से सुना? हाँ, बिल्कुल कान से सुना है भाई। वो आगे बढ़ गए हम, स्वाभाविक है। मेरे साथ दो सिक्योरिटी था और दो, एक हमारा सहयोगी था, एक कार्यकर्ता था। क्या सिक्योरिटी ने जवाबी हमला किया? नहीं, हम आगे बढ़ गए, कोई जवाबी हमला। उसके बाद जो है वहाँ कुछ हमारे साथ उस गांव में जाने के लिए, जमालपुर जाने के लिए तिनेरी के कुछ कार्यकर्ता थे जो प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई आपकी फायरिंग किए एमपी साहब पर, तो उसको पकड़ करके रिवॉल्वर के बट से मारा तो मार ही देता उसको भी। मगर उसी में से कुछ आदमी ने उसको बचाया भी, सौभाग्य से वो बच गया। और फिर लोगों में बहुत आक्रोश है। क्यों 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 मारा पीटा गया? कल दिन में भी 2-3 जगह हमारे कार्यकर्ताओं को मारा। क्यों मारा है लोगों ने? क्या आरजेडी के लोगों ने? हैं, आरजेडी के लोगों ने? हाँ, आरजेडी के ही लोग थे, दूसरा कौन रहेगा। आरजेडी के ही लोग थे और दूसरा ऐसा कुछ कर नहीं सकता। कुछ दिन पहले हमारे बेटे पर भी हमला हुआ था, मैंने स्थानीय पुलिस को कहा भी था, SP सब को कहा था। प्रचार के दिन, मैं 4 दिन पहले प्रचार में जा रहा था, उसका रास्ता रोक दिया और वहाँ जिस लड़के को मारपीट किया था उसने FIR भी किया। तो एक FIR रेखा देवी की ओर से भी हुआ है कि? तो रेखा देवी तो जानबूझ करके अपने सेफ को, चेहरा को बचाने के लिए। तो उनके साथ बदसलूकी हुई है? कोई बदसलूकी हुआ नहीं हुआ हमको नहीं मालूम, तो पुलिस अपना जान। अगर उनके साथ बदसलूकी हुई तो उसी समय नहीं FIR करते हैं। आप FIR कर रहे हैं रात में, जब ये घटनाक्रम हो गया तब आप FIR कर रहे हैं। और सब वो RJD के जो खिलाफ लगता था उनको, और हमारे जो कार्यकर्ता थे उन सबका नाम अपने दे दिया, मुखिया उखिया सब। मुखिया तो वहाँ की महिला है बेचारी, वो हंगामा करेगी? सब इनोसेंट हैं, ये सब अपने चेहरा को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, गलत तरीका से लोगों को फंसाने के लिए ये सब काम किया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है आपको, कल तो वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा पोलिंग जो है वो पाटलिपुत्रा में ही हुई है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर माहौल बदला है? पाटलिपुत्रा में लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हम लोगों की अपील को सुनी है और मतदान केंद्र पर हेवी पोल किए हैं सब लोगों ने किया है। गोली चलने के बाद आपको उम्मीद है कि जीत आपकी होगी? निश्चित तौर पर, गोली तो वही चलाता है जो हार जाता है। हम कहाँ गोली चलवा रहे हैं, हम तो मार खा के भी बैठे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता को मार, हम कहाँ हंगामा किए, हम तो बदला नहीं लिया किसी से। हिंसा के जनजीत मैंने किया ही नहीं है पूरे 40 साल में। हमारे ऊपर तो आजकल ढेला भी नहीं फेंका गया है, मैं उसे कोई काम करूंगा तब ना, गोली मेरे ऊपर चल जाएगी, मुझे आश्चर्य है। ये आपको उम्मीद नहीं थी? कभी नहीं उम्मीद थी, 40 साल में मैं विद्यार्थी जीवन से काम करता हूँ भाई, किसी का हित किया हमने?
आपको उम्मीद थी कि वहाँ लोग घात लगा के बैठे थे आपको मारने? नहीं, कुछ नहीं मालूम था हमको, ऐसी कोई उम्मीद नहीं। नहीं, हमें क्या मालूम, तो घात लगा के मारने के लिए बैठे हुए हैं तो हम उधर जाते कि हम घर चले जाते हैं। और हम तो दो सुकृत था मेरे पास, दो आदमी था और बाकी के तो ऐसे ही चलते ही चलते। एक अंतिम सवाल है मेरा, आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? हाँ बिल्कुल कराई है। क्या आप मांग कर रहे हैं प्रशासन से? आप बात हुई है डीएम से? हाँ डीएम से और एसपी साहब से आपसे बात? हाँ है, मैंने बात किया है एसपी साहब से बात किया। मैं एसपी साहब उस इलाके के गए थे भी, तो उन्होंने कहा मैं उचित कार्रवाई करूँगा। परसों रिजल्ट का इंतजार है रामकृपा यादव? हाँ निश्चित तौर पर उम्मीद है इस बार। यार बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत समर्थन दिया यार, मैं आभारी हूँ पाटलिपुत्रा की जनता का। इतना प्यार इतना स्नेह दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और हमको सेवक बनाना है। अपने सेवक को सेवा करने के लिए और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने मत किया है। सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने मत किया, वर्ग के लोगों ने अपार समर्थन मिला। जब गोली चली आप पर तो बातचीत हुई, कई लोगों ने आप पर फ़ोन भी किया, हालचाल जाना? हाँ कई लोगों ने फ़ोन किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, माननीय गृहमंत्री जी ने भी फ़ोन किया था। अमित शाह जी ने फ़ोन किया आपको? हाँ गृहमंत्री जी ने फ़ोन किया था 10 बजे के बाद, 10:21 में उनका फ़ोन आया था, मैंने उनकी जानकारी उनको दे दिया। क्या लगता है मतलब आरजेडी की बात हो रही है, आपने शुरू में कहा कि आरजेडी इस तरह से रहती है, आप अभी कह रहे हैं कि आप खड़े हैं मैदान में? हाँ खड़े हैं, हम तो आए कोई गोली मार के चल जाए, हमारे खून से उन लोग अगर संतुष्ट थे मेरे खून से, हम अपना खून भी दे देंगे जनता के लिए। आप कह रहे हैं क्या मुझे गोली? जनता के लिए मैं उपलब्ध था हूँ रहूँगा, और हमको अगर मार करके आपको लगता है कि हम सब कुछ प्राप्त कर लिया तो हमको गोली मार दीजिए, आइए, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे। रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया तो है, अब देखना यह है कि जब मतगणना होगी यानी कि परसों 4 जून को, तो क्या नतीजा आता है। देखिए पाटलिपुत्रा की अगर हम बात करें तो लगभग 57% वोट पाटलिपुत्रा में पड़े हैं। कल जो 8 सीटों पर वोटिंग हुई अंतिम चरण में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पड़े तो वो पाटलिपुत्रा सीट पर पड़े। अब देखना ये होगा कि मीसा भारती वर्सेज रामकृपाल यादव, देखिए 2 बार ये मुकाबला पहले भी हो चुका है, 2014 में और 2019 में। 2014 में भी रामकृपाल यादव जीत गए थे, 2019 में भी रामकृपाल यादव जीत गए थे, लेकिन इस बार पलड़ा भारी किसका होता है, मीसा भारती या रामकृपाल यादव? देखना होगा जीत किसकी होती है, क्योंकि जीत की हैट्रिक क्या रामकृपाल यादव लगा पाएंगे, उन्हें तो पूरा विश्वास है क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया है, खूब वोट दिया है। और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का फ़ोन करना उन्हें, इस बात को भी देखिए कहीं ना कहीं मायने में हम बताएं तो ये बात स्पष्ट होती है अमित शाह का फ़ोन करना कि बीजेपी के संगठन पर, बीजेपी के नेताओं पर कितना ध्यान रखती है बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है। क्या घटना घट गई आप समझ सकते हैं, लगभग 7-8 बजे की घटना है, उसके बाद अमित शाह का फ़ोन करना और रामकृपाल यादव का ये भी कह देना, एक बड़ी बात कह दी उन्होंने कि आओ मैं खड़ा हूँ मैदान में, मुझे गोली मार दो। रामकृपाल यादव ने जो कहा है, अपनी बातें बताई, उनके बेटे अभिमन्यु पर भी पिछले दिनों हमला हुआ था, जो हमलावर थे जो विरोधी खेमे के थे उन्होंने हमला किया, ये बात भी स्पष्ट की है। तो अब देखना ये होगा कि रामकृपाल यादव ने कंप्लेंट तो दर्ज कर दी है, कंप्लेंट दर्ज करने के बाद क्या उन्हें न्याय मिलता है। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो ऐसे में जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं रामकृपाल यादव क्या होता है। और फिर 4 जून को सबसे पहले नतीजों पर हमारी नज़र रहेगी, क्या कुछ वो कहते हैं इस पर हम आप पर अपडेट करते रहेंगे, इस खबर को लेकर आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।